जगत के प्राण प्रगति रथ चक्र हैं, ये उषा किरणे तिमिर संहारण भाई, जरा उतरने तो दो। हाँ, आ जाओ बेटी, हटो। कैसे लोग हैं? हटो। ओहो, क्या भीड़ है बाबा। जवाई बाबू लगता है अब तक आए नहीं। अरे भाई, वकील आदमी है, रास्ते में किसी मुवक्किल ने घेर लिया होगा। रिक्शा मैं ही ले आता हूँ। वकील साहब आ गए। नमस्ते जी। रो बेटा, घर में सब कुशल है ना? जी कुशल है। बाबूजी नहीं आए? रिक्शा लाने गए हैं। हेलो लक्ष्मी, सफर कैसा रहा? कोई परेशानी नहीं हुई। कैसे हैं आप? लगता है मेरे बगैर बहुत खुश थे, बहुत चमक रहे हैं। और मुझे खत में लिखते थे, लक्ष्मी तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता। लीजिए, उनके देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्यों, आजकल वकालत चल नहीं रही जो शेरो शायरी शुरू कर दी?
एक तो इतने दिनों दूर रही, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। घर चलना, फिर बताता हूँ, एक एक रात की तड़प का बदला लूंगा। चुप रहो, शर्म नहीं आती? अरे देखो देखो, वो बस में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को कुचल रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें मत करो यार, परसों रामपुर के बस में दीन दहाड़े डकैती हुई, उसमें तुम भी थे। थे ना? क्या किया तुमने? अरे मेरे हाथ में कमिश्नर साहब की मछलियों की टोकरी थी। अच्छा? नहीं तो क्या? अरे तुम भी उन चार डाकुओं की तरह कुछ छीन के चल देते क्या? अरे पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। अरे लक्ष्मी, तुम कहाँ जा रही हो? जा वहाँ लोग बस में चढ़ने के लिए एक दूसरे को कुचले जा रहे हैं, और आप लोग यहाँ आराम से खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं। तो क्या मैंने गोदी में लेके चढ़ाएंगे? जी नहीं, आप लाइन लगवाई, नहीं तो मैं रिपोर्ट करूंगी। जाइए, आप रिपोर्ट कीजिए। हाँ हाँ, फांसी पे चढ़वाना भाई, फांसी पे चढ़वाना। आप काम चोर ही नहीं बल्कि बदतमीज भी है, और आपके अफसर भी ऐसे ही होंगे, इसीलिए डर नहीं उनका आपको। अरे लक्ष्मी। अरे अजय, तुम यहाँ? बहुत प्लेजेंट सरप्राइज। और सुनाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यहाँ कॉलेज में लेक्चररशिप शुरू की है, और मेरा ससुराल भी यहीं पर है। अच्छा, क्षमा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी है, इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानती है, इससे अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। अजय, ये मेरे पति है सत्य प्रकाश, वकील है, और ये है अजय। अजय श्रीवास्तव, माय क्लास फेलो। अरे पुलिस वाले तो बड़े काम के आदमी होते, आप हमारे घर जरूर आइएगा। जरूर, और आप लोग भी दोनों। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। चलो आओ बहू। चलो लक्ष्मी की माँ, उतरो। जीती रहो बहू, जीती रहो। सुभाष, नमस्ते। सामान निकालो। नमस्ते। ये बाबू जी, मुझे दे दीजिए। कैसी हो तुम? आइए आइए बैठिए। भाई साहब, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, तकलीफ कैसी। ऊपर रख दो। और आपका संगीत क्या बोलता है भाई साहब? अरे संधि साहब, संगीत बोलता नहीं, संगीत तो गूंजता है। अरे संगीत तो गूंजता है, और उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो न तो चाय से मिलता है न कॉफी से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मनुष्य के जीवन में संगीत का स्थान असाधारण है। अरे भाभी, आजकल तो अमेरिका में कई बीमारियों का इलाज संगीत की लहरों से किया जाता है। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, फिर भी बरसों से मुझ पर यही इलाज चल रहा है। Oh,
लेने आ जाऊंगा। चलो अंदर जाओ। अरे जज की पोती है, अपने सामने रहती। तो क्या हुआ? देखो सड़क पे गाड़ियाँ चलती है ना, इस तरह नहीं खेला करते। जा। फिर मैं कभी नहीं खेलूंगी वकील आंटी। क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं चोरों और वकीलों को खूब जानती हूँ। अरे वाह, बातें तो खूब बनाती हो। चॉकलेट खाओगी? क्यों, मैं जज की पोती हूँ इसलिए। अरे मैं तो यूं ही बोल गया, अपने दादाजी से नहीं कहना कि मैंने ऐसी बात की थी। हा? अच्छा अच्छा, चलो अब अपने घर जाके खेलो। हूँ जा। बड़ा अच्छा नाच गा लेते हैं आप लोग। कल नौकरी न मिलने पर ये कला आप लोगों के काम जरूर आएगी।
कम से कम सड़कों पर नाच गाकर अपना पेट तो भर ही लेंगे, है ना? मैडम अबे चुप, तू तो ऐसे बुला रहा है जैसे कोई बुढ़िया हो। हाय, इस फंटी ने तो अभी अभी यौवन की दहलीज पे कदम रखा है। क्या गुरु, फंटी कह रहे हो शादी करोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये फंटी मान जाए। वाह, एक टीचर जो माँ समान होती है उसके साथ शादी का ख्याल बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तुम लोगों की मूर्खता पर दया आ रही है, जो एक माँ और पत्नी के बीच का फर्क भी नहीं समझते। भाषण तो अच्छा झाड़ लेती है, लेकिन कुछ पढ़ाना वढ़ाना भी आता है कि नहीं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। हाँ कोशिश कर लीजिए, पहले भी बहुत से आए लेकिन भाग गए। क्योंकि वो जानते नहीं थे ना कि गधों पर किताबें लाद देने से वो पढ़ लिख नहीं जाते। ओ मैडम शराब, बेकार नाराज हो रहे हैं आप। अगर सुंदर चीज को सुंदर कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया? मुझे ये जानकर खुशी हो रही कि आपको सुंदरता की इतनी परख है। वैसे आज का विषय भी सुंदरता ही है। हिया थार कुछ कंचन लारू, कनक कचोर उठे जन चारू, बे भवर कंत केत की चाह ही बेत किन कंच। इनमें से दो शब्दों का अर्थ बहुत कठिन है, आप उनका मतलब समझाएंगी? पूछो। ये कंत और कंचुकी का क्या मतलब हुआ मैडम? इसका मतलब है वक्षस्थल, स्तन। ये स्तन क्या होता है मैडम? हाँ बताइए ना, ये स्तन क्या होता है? या फिर दिखाइए ना, चित्र बनाकर। तुम्हारे सवाल का जवाब, और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो घर जाकर कहो अपनी मां बहनों को समझाने को या दिखाने को। कहिए मिसेज जोशी। सर मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स गंदे गाने गा रहे थे और मुझसे बेहूदे सवाल पूछ रहे थे। ओ मिसेज जोशी, स्टूडेंट्स की इन छोटी छोटी हरकतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन उनकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसे करें? ये सब तो यहाँ के नेताओं और गुंडों की बनाई हुई फौजें हैं। लेकिन उन लड़कों का राजनीति और गुंडागर्दी से क्या संबंध? अगर संबंध ना हो तो यहाँ के नेताओं पर की हुई कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कॉलेजेस में हड़ताल कौन करेगा? स्टूडेंट्स के मोर्चे कौन निकालेगा? विरोधी दलों के खिलाफ कॉलेजेस में नारे कौन लगाएगा? नेताओं की मीटिंग्स में स्टूडेंट्स कौन इकट्ठे करेगा? बाजारों में तोड़फोड़ कौन करेगा? ये बात आप जितनी छोटी समझ रही हैं उतनी है नहीं। दिस प्रॉब्लम इज एन आइसबर्ग। दिखने में छोटी जरूर लगती है लेकिन बड़े बड़े जहाजों को डुबो देती है। बताइयो मैडम। हेलो। भैया ने आपकी सही तारीफ की थी। कौन भैया? जी सब इंस्पेक्टर अजय। अच्छा, और तुम अजय की बहन है? जी। क्या नाम है तुम्हारा? वंदना श्रीवास्तव। आपने तो कमाल कर दिया मैडम, इस कॉलेज के इतिहास में पहली बार उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। मुझे अपनी तारीफ नहीं करानी है, और आप लोग भी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस कॉलेज की प्रतिष्ठा और डिसिप्लिन को बनाए रखें। क्या करें मैडम, इन लोगों को काली जैसे गुंडों की मदद मिलती है, इसीलिए हम लोग इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये काली कौन है? काली जी शहर के बेताज बादशाह हैं, और ये उनकी अदालत है। उनके किए हुए फैसले पर दुनिया के किसी भी अदालत में अपील नहीं हो सकती। भगवान के बाद दूसरी अथॉरिटी, और मैं हूँ उनका सेनापति, समझे कुछ? नहीं। आपका तो परिचय हो गया, नमस्ते। अब काली जी के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 3 दिन के बाद आइए, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन चलिए चलिए आगे आगे चलिए, बैठिए बैठिए, मुझे तो दर्शन करवाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। क्या काली जी गिरफ्तार हो गए? क्या बकते हो, जबान को लगाम दो। अगर श्री काली जी ने सुन लिया तो इसी जगह दफना दिए जाओगे। पुलिस की इतनी हिम्मत कहाँ के काली जी को गिरफ्तार करे। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो। आप समझे नहीं सेठ जी, श्री काली जी का अपना पुलिस स्टेशन है, समझे? और इस वक्त पे आपके गहनों के बारे में चोर से बड़े प्यार से पूछताछ कर रहे हैं, पुलिस का अवतार बनकर। बोल, गहने कहाँ छुपाए हैं?
नहीं सरकार, वो चोरी मैंने नहीं की सरकार। लेकिन मैं जानता हूँ कि गहने तूने ही चुराए हैं। मैं कुछ नहीं जानता सरकार। बोल कहाँ छुपाए हैं? मैं कुछ नहीं जानता सरकार। बोल। बोल। बताता हूँ वो गहने मेरे पास है। गलानी, देखा तुमने पुलिस के पास जाके एक महीना झक मारी, कोई फायदा हुआ? नहीं नहीं। लेकिन श्री काली जी ने केस हाथ में लेते ही गहनों का पता लगा लिया। धन्यवाद काली जी, आप तो महान हैं। 50,000 रुपए हमारी कमीशन है, वो चुका के गहने ले जाओ। 50,000? 75,000। लेकिन अभी तो आपने 50,000। सोच बंद करो सेठ, अगर ज्यादा बकबक करोगे तो हर शब्द पर 1,000 रुपए जुर्माना पड़ेगा, समझे? अगर पुलिस के चक्कर में रहते तो क्या हाल होता? आधे गहने तो पुलिस हड़प कर जाती, बाद में अदालत में खींचती, और आप कोर्ट के चारों ओर कुत्ते की तरह घूमते फिरते, और अदालत का फैसला होते होते बचे हुए गहने भी हवा हो जाते। लेकिन काली जी ने इन तमाम झंझटों से छुटकारा दिला दिया है। लेकिन आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उस चोर को छोड़ दीजिए सर, वही सेठ का बाजा बजेगा तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। अरे बंद करो ये डिब्बा, रिश्वत का पैसा थोड़ा ही है, जो जहाँ चाहे दे दो, ये काली जी की अदालत है। जाओ कैश काउंटर पे जमा करा दो, जाओ जी। सुनो सेठ जी, इसकी दवा दारू के लिए 5,000 रुपए दे देना। 5,000 इस चोर के लिए? ये ईमानदार चोर है, कम से कम चोरी तो कबूल कर ले। लेकिन सरकार, अगर ज्यादा बहस करोगे तो उसके साल भर के राशन का पैसा भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं दे देता हूँ। जाओ जाओ। काली जन कल्याण केंद्र, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं मिनिस्टर कृपा शंकर। काली जी को फोन दो। मंत्री जी का फोन। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते बाबूआ, दावत की तैयारी करो काली, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा, हम भी तो सुने, ऐसी कौन सी खबर है? अरे भैया, हमारी जनसेवक पार्टी ने कहा कि नौजवान नेता चाहिए, खाद तुम्हारा नाम पेश किया, छठ मंजूर। आज से इस शहर के नौजवानों के नेता तुम हो। बोलो है ना खुशखबरी? अजी हमें राजनीति से क्या लेना देना, अपना तो डंडा राज जोरों से चल रहा। ये क्या कर रहे हैं आप सर? आप तो सुनहरा मौका गवा रहे हैं। अगर आप पर नेता की मोहर लग गई तो समझ लीजिए गुंडागर्दी का लाइसेंस भी मिल गया। नहीं भाई। हाँ सर, कल से आपका नाम शहर की इज्जतदार हस्तियों में गिना जाएगा, पैसे और सत्ता के साथ साथ इज्जत भी मिल रही है। मान लीजिए सर, लाइए मैं बात करता हूँ। हेलो काली जी, तैयार है? हाँ वो मान गए। हाँ आप आज ही लाइसेंस तैयार किए, मेरा मतलब यहाँ पता। कौन कट बढ़ा रहा है बीच में? श्रीमान, मैं मला नहीं बोल रहा हूँ। वकील साहब। हाँ, युवा नेता श्री काली। सब आगे मत जाना, आगे मत जाना, मेहरबानी करके मैं सलाम करता हूँ साहब। सब आगे, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्या हुआ है? वो गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को तोड़ते हुए न्याय देवता को कुचल के चली गई। बेचारे के आंख पे पट्टी बांधी थी, वो कुछ न कर सकते। क्या बकवास है? वो अन्याय ने न्याय का खून कर दिया साहब। अरे वो आगे जाके मत जाना। अरे कौन है ये? पागल है साहब? नहीं नहीं, मैं पागल। अपने को पागल बना देगा? चलो पागल नहीं वो साहब। सुना अरे सीमेंट चोर हट, नहीं तो कुचल दूंगा। चल कुचलने के सिवा और जानता ही क्या है तू? सत्ता में रहकर हजारों बोरी सीमेंट चाट गया, बोगस प्रतिष्ठान से लाखों रुपए हड़प कर गया। हाँ तुझे सदा तुझे जाने दूंगा, तू देश को गिरवी रख देगा, 25 रुपए में देश के सिक्रेट बेच देगा। तुझे रोक कर थोड़ी देर के लिए तो देश को बचा सकता हूँ। चला चला गाड़ी चला, देखता हूँ, चला देख, ऊपर से लेके जाए तो मैं गिरफ्तार कर दूंगा। कांस्टेबल करमवीर,
अरे 5 मिनट ड्यूटी पे लेट क्या हो गया, तो रस्ते पे लेट जाते हो हा? और इस तरह से सारा ट्रैफिक ठप कर देते हो तुम। मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ फिर भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इस तरह से ट्रैफिक तुम कंट्रोल करते रहोगे ना तो एक दिन मेरे नौकरी पे स्टॉप का बोर्ड लगा दोगे। ए साहब लियो अपनी गाड़ी, ए तू जैसे निकाल। कमिश्नर साहब की बीवी। कमिश्नर साहब की बीवी? जय हिंद मैडम। कमिश्नर साहब की बीवी किधर है? मुझे नहीं मालूम। क्यों बे, मुझे उल्लू बनाता है? जितना धन कमिश्नर साहब की बीवी की चमचागिरी पर देता है ना, उतना धन अगर अपने ड्यूटी पे देगा तो सारा देश सुधर जाएगा। मुझे समझाना है साला, तू क्या कर रहा है? चली अपनी गाड़ी। सर सर वो हवलदार मुझे मेरी ड्यूटी नहीं करने देता, मैं वहां से यहां। देखता हूँ कब तक बचता है तू। क्या कर रहे हो? चलो चलो वो दे मुझे काले। कोई पागल लगता है। चलो अरे भाई आज इतनी जल्दी दुकानें क्यों बंद हो रही हैं? आज काली जी युवा नेता चुने गए हैं, उनके अभिनंदन में जुलूस निकलने वाला है। लेकिन उसके लिए दुकानें क्यों बंद होंगी? आज दुकानें बंद नहीं होंगी तो कल दुकानें ही नहीं रहेंगी। तुम कहो तो दिन है, तुम कहो तो रात है।
क्या सोच रही हो लक्ष्मी? इस शहर के लोगों के बारे में सोच रही हूँ। बुजदिली और निकम्मेपन की भी हद होती है। क्यों, क्या हुआ? अरे कल ही मैंने इस गुंडे को भरे बाजार में लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे हटते हुए देखा, और आज वही लोग उसका इतना जोरदार स्वागत कर रहे हैं। लानत है इस शहर में रहने वाले आप जैसे पढ़े लिखे लोगों। अरे भाई, हम पर लानत भेजने से पहले आपके दोस्त है ना इंस्पेक्टर, उनकी भी कुछ राय ले लो। उनका तो काम ही इस गुंडागर्दी को रोकने का, लेकिन वही उनकी हिफाजत करते हैं। हो सकता है उनकी भी कुछ आमदनी होती हो। अरे हाँ, आइए ना मैडम, आइए। कैसी हो वंदना? ठीक हूँ। अजय है घर में? हाँ है ना। भैया भैया देखो कौन आया है, आप बैठिए, मैं भी भैया को बुलाकर लाती हूँ। अरे लक्ष्मी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकदम फिट। हाँ, वकील साहब नहीं आए? अब वकील और पुलिस वालों के पास घर के लिए समय ही कहाँ। क्यों बेचारों को मुफ्त में बदनाम करती हो? है? अब देखो ना, मैं तो घर पर ही हूँ। क्यों आज शक्ति प्रदर्शन पे नहीं गए? शक्ति प्रदर्शन? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। और नहीं तो क्या, तुम लोग बड़े बड़े गुंडों को छोड़ देते हो और उनको पकड़ते हो जिनकी साइकिल में लाइट ना हो या फिर सड़क पर सोने वाले अनाथ। अभी शक्ति प्रदर्शन नहीं तो और क्या है? देखो अपराधी को तो पकड़ना ही पड़ता है, चाहे उसका जुर्म छोटा हो चाहे बड़ा, ये तो हमारी ड्यूटी है। हाँ हाँ, तो काली के बारे में अपनी ड्यूटी क्यों भूल गए? मैं भूला नहीं, उसे गिरफ्तार करने के लिए मौके का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग इंतजार करते रहिए, आज वो युवा नेता है, कल एमएलए हो जाएगा। अजय, तुम जैसे जिम्मेदार अफसर अगर लापरवाही बरतेंगे तो फिर आगे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? देखो लक्ष्मी, जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की ही नहीं जनता की भी होती है। आज लोगों में से एक आदमी भी आकर मुझसे कहे कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुरंत जाकर काली को गिरफ्तार कर लूंगा। हम खुद जाकर लोगों से पूछते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, और गवाह है कि काली के नाम से आगे आते ही नहीं। क्या ये नहीं हो सकता कि वो पुलिस के डर से नहीं आते हो? देखो अजय, ये सब तुम्हारे बचाव के रास्ते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारा थाना चंद रुपयों के बदले में काली को अपना ईमान बेच चुका है। अगर हमारे डिपार्टमेंट में ईमानदार लोग ना होते तो इस देश में दिन दहाड़े लूटमार, डकैती और कत्ल की वारदातें होती। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के बारे में तुम्हारी जानकारी बहुत कम है, क्योंकि ये सब चीजें तो दिन दहाड़े होती है जिसकी मैं 50 मिसालें दे सकती हूँ। क्या तुम एक भी मिसाल दे सकते हो अपने डिपार्टमेंट की ईमानदारी की? तुम देखना चाहती हो? इधर आओ, इधर आओ। देखो, वो देखो, उस आदमी को देख रही हो? जानती हो कौन? मुझे तो कुछ पागल लगता है। उसका नाम करमवीर, यही क्या पुलिस डिपार्टमेंट पे था, फर्ज और ईमानदारी की जीती जाती मिसाल। लेकिन ये पागल कैसे हो गया? अपनी ईमानदारी पर अटल रहने के इनाम में। क्या किया था इसने? उसने काली को एक स्मगलिंग के केस में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस स्टेशन की ईंट ईंट कह रही थी कि काली जैसे शैतान से दुश्मनी मत मोल ले। लेकिन इस बहादुर ने डरना कहां सीखा था, उसे लगा कानून उसका साथ देगा, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही था। काली जेल से छूट गया और प्रकोप बनकर उस पर टूट पड़ा। सर 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 जल्दी चलिए। क्या हुआ करमवीर? सर काली ने मेरी बीवी को उठवा लिया। क्या, काली ने? यस सर। सर आप उसे गिरफ्तार कीजिए, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। अब तुम्हारी रिपोर्ट का क्या फायदा, कितनी बार कहा बड़ों से बाहर मत बोल लो, अब भुगतो। आप ऐसा मत कहिए सर, आप चलिए उसे गिरफ्तार कीजिए। दिमाग तो ठिकाने है, अब अफसर को हुक्म कर रहे हो? रिपोर्ट दर्ज कर दो, मैं पूछताछ करूंगा। किससे पूछताछ करोगे, मेरी बीवी से या उसकी लाश से? हा? देखो करमवीर, काली के आदमी पुलिस वाले की बीवी को उठाकर ले गए हैं, यह बात लोगों तक फैल गई तो डिपार्टमेंट की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम ऐसा करो, घर जाकर आराम करो, मुझे पूरा विश्वास है सुबह तक वापस आ जाएगी। बड़ी खुशी हुई है आपको विश्वास है कि वो सुबह तक वापस आएगी? कल अगर आपकी पत्नी को कोई गुंडे उठाकर लेके जाए ना, तो आराम से शराब पीकर उसकी वापसी का इंतजार करना, और आपकी किस्मत से वो गर्भवती होकर वापस आए तो मिठाई बंटवाना मोहल्ले में। करमवीर, कॉल मी कांस्टेबल करमवीर। आप डिपार्टमेंट की इज्जत की बात कर रहे हैं, वो तो कब की धूल में मिल चुकी, जिस दिन आप जैसे अफसरों ने ड्यूटी की जगह गुंडों के सामने कुत्तों की तरह टहलना शुरू कर दिया। क्या मतलब, आपसे क्या बात हो सकती है? अपनी बीवी की रक्षा मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे पहले आपको उसका पता लग जाए ना, तो उसे यहां मत लाना, अभी इस थाने पर मेरा विश्वास नहीं रहा। जान के
दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल, खोल दरवाजा, छोड़ इसे, छोड़। ओ, हवलदार करमवीर। एक अरे, एक देखा, तुम्हारी तरह मैं भी अपने पेशे में किसी को नहीं छोड़ता हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा तमाशा देखो, देखो देखो। जानकी क्या बात करता है, मैं तेरे को बताता हूं। सर वो देखिए, देखिए सर, गौर से देखिए हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत। देखिए इस बेबस की लाश को, यह आप जैसे अफसरों के निकम्मेपन का नतीजा है। एक गुंडे से डरकर इस वर्दी को काली पोंछने वाली आपकी लाचारी भिन भिना रहेगी मक्खियों की तरह उसके चेहरे पे। देखिए देखिए, रुक जाइए सर, इस अभागी लाश पर अपने हमदर्दी बर्बाद मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर सिंपथीज। जिस दिन सारा देश क्लासों में बदल जाए और आप संतुष्ट हो जाए, उस दिन दिखाना ये अपने हमदर्द। करमवीर, कॉन्स्टेबल करमवीर कहो। क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारी सूरत ही बता रही है, एक दिन इस थाने को चोरों के हाथ गिरवी रखने से भी चुकेगा नहीं तुम। करो करो मनमानी। देखता हूं कब तक न्याय देवता के नाखूनों में सुइयां चुभते रहोगे, कब तक धर्म देवता के पेट पे ठोकरे मारते रहोगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन जरूर आएगा जब इन्हीं बंदूकों से तुम भून दिए जाओगे। जानकी, जानकी तुम्हारी ड्यूटी तो खत्म हो गई, तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी है। सारे देश के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है मुझे, आसमान को छूने वाले सिग्नल्स बनाने हैं, पहाड़ों से भी बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाने हैं मुझे, तब जाके कंट्रोल होगा ना इस देश का ट्रैफिक, है ना? तब तक मुझे अपनी ड्यूटी, तब तक ड्यूटी सर सर जय सर सर, मैं ड्यूटी पर हूं। करमवीर तुम ड्यूटी पर नहीं गए? मैं ड्यूटी पर हूं सर। सर इस देश में न्याय और नीति का खून दिनदहाड़े हो रहा है सर। क्या हुआ? सर आपने जो शराब के अड्डे बंद करवाए थे, उसका मालिक बाबू कलवार भूख हड़ताल करने वाला है सर। उसका कहना है कि आपकी ये कार्रवाई प्रजातंत्र के खिलाफ है, इसलिए उसने अपने कुछ किराए के लोग दिल्ली भिजवाए आपका आपका तबादला करवाने के लिए। और इसके पीछे भी काली का हाथ है। काली! क्या हुआ सर? मुझे बंदूक लाके दीजिए सर। सर कर... मैं उसे भून के रख दूंगा। वो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बंदूक लाके दीजिए। करमवीर देखो देखो, तुम्हारे बंदूक के लाइसेंस के लिए अर्जी दी है ना, उसके मिलते ही मैं खुद तुम्हें बंदूक लाके दूंगा। अभी तुम जाओ जाओ ड्यूटी पर जाओ। जाइए सर। तुम शायद ये सोच रही हो लक्ष्मी कि करमवीर के अंजाम को देखकर मैं घबरा गया हूं, कुछ करना नहीं चाहता।
लेकिन मेरा विश्वास करो लक्ष्मी, जिस दिन से मैंने पुलिस की वर्दी पहनी है अपने को देश के सुपुर्द कर दिया है। जिस दिन एक भी गवाह मेरे हाथ लग गया उस दिन इस शहर को लगे हुए ग्रहण को मैं खत्म कर दूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं चलती हूं। मैं तो तंग आ गई हूं इस कॉलेज से, भगवान जा रहे कब छुटकारा मिलेगा। मैं टॉयलेट जाके आती हूँ, जल्दी आना, मैं कैंटीन में हूँ। ये लड़की की वजह से गुरु टॉयलेट, वो भी अकेली। तुम लोग रुको, मैं अभी तफरी करके आता हूँ। जा, जा, जा। ये बुक पकड़े, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। छोड़ो, लगता है ट्रेलर की जगह फिल्म शुरू हो गई। काश मैं भी थिएटर में होता। मैडम टॉयलेट एंगेज है, मैडम खाली है। मैडम लड़की की इज्जत लूटते हो, माँ बाप के पैसे बर्बाद करते हो, क्या यही सिखाया जाता है इस कॉलेज में? इसलिए कॉलेज में आते हो, इस कॉलेज का नाम खराब करते हो। लक्ष्मी जोशी, लक्ष्मी जोशी। सुन रही हैं आप, कितना हंगामा मचा रखा है लोगों ने। प्लीज मिसेस जोशी, मैं कहता हूँ कि इन लोगों से माफी मांग लीजिए। माफी मुझे नहीं, उस बदमाश को मांगनी चाहिए जिसने उस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की। इम्पॉसिबल, वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सब के सब काली के आदमी हैं। पर ये कॉलेज तो काली की जाके नहीं है, और अगर ऐसा है तो इस कॉलेज में पढ़ाई के विषय बदल दीजिए सर। हिंदी गणित की जगह जेब कतरना, हुंडा गर्दी और लड़कियों पर बलात्कार करना भी सिखाना शुरू कर दीजिए। उसमें तो एक कॉलेज जरूर नाम कमाएगा। कम से कम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़के कुछ भी कर सकते हैं। अगर कॉलेज में ताला लग गया तो सीधे साधे विद्यार्थियों का नुकसान हो जाएगा। कम से कम उनकी खातिर इन लोगों से माफी मांग लीजिए। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मैं माफी मांगू? लक्ष्मी जोशी, माफी मांगनी पड़ेगी। खामोश हो जाएं। आप लोग ये चाहते हैं कि मिसेज जोशी आप लोगों से माफी मांगे, लेकिन इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं। अब इस बात का फैसला कैसे होगा? सिर्फ माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफी मांगू। आपने लड़के पर हाथ उठाया है, क्या उसकी कोई गलती नहीं थी? मेरी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया गया है। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं। शर्ता, यहाँ आओ। इन लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बताओ शर्ता, बोलो। हाँ हाँ बोलो, बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, बोलो। हाँ हाँ बता दो कि इसने तुम पर बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए मैंने हाथ उठाया। विक्रम ने कुछ नहीं किया मैडम। तुम झूठ बोल रही हो शारदा, इन लोगों से डरकर अपना अपमान छुपा रही हो। क्या इसने तुम पर बलात्कार करने की कोशिश नहीं की? नहीं। देखा देखा, सरीज बेचारे से झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। मैडम को माफी मांगनी पड़ेगी। आप लोग इसलिए मुझसे माफी मंगवाना चाहते हैं क्योंकि मैंने विक्रम की गलती पर उसे थप्पड़ मारा? और फिर कह रही है कि विक्रम ने गलती की? नहीं नहीं, विक्रम ने कोई गलती नहीं की, गलती तो मैंने की है। एक गलती ये कि अपने स्टूडेंट को अपना भाई समझकर उसे अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश की, उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। जहां स्त्री अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं कहती, गूंगे बहरे की तरह सब कुछ सह लेती है, ऐसे देश में एक औरत बनकर पैदा होने की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। बुरे को बुरा कहने की गलती अब मैं नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कीजिए। अब तो आप लोग संतुष्ट है ना? अपने अपने क्लासरूम में जाइए। भैया काली, अधिवेशन में हमने नींबू पानी में जिन मिलाकर पी, मंच पर थम्सअप में रम मिलाकर पी, ये कौन सी अंग्रेजी शराब है दूध में मिला के पी रही है? को हमको भी बोलो ना, हम भी जनता जनार्दन के सामने दूध पियेंगे। काली जी शराब नहीं पीते। हाँ शराब ही नहीं पीते?
फिर भी इतने बड़े आदमी बने? देख लीजिए काली, बड़ा बनना कैसे भी बनो, अब मतलब की बात सुनो, ये ससुर पॉलिटिक्स में कोई भरोसा नहीं है। आज मिनिस्टर तो कल फटीचर, कल मंत्री मंत्री न रहे तो इसका नाम क्या है? काली जी। इसका नाम भाई जानी वाकर। ना पीने को जानी वाकर, ना खाने को बादाम पिस्ता, फिर वही गांव की धूल वही थर्रा। मतलब की बात करो। हम ये कपड़े की मिल लगवाने की सोच रहे हैं, हमारा काम भी हो जाएगा और लगे हाथ इस शहर की तरक्की भी हो जाएगी। लेकिन मिल लगाएंगे कहाँ, शहर में तो कोई खाली जगह बची ही नहीं। ये लो, अरे बुनकरों की बस्ती, जब हम कपड़ा बनाएंगे तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कपड़ा बनाने की? इसका मतलब बुनकरों को अपना धंधा और बस्ती छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना? अरे भाई, जब शहर की तरक्की करनी है तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर इसी तरह देश के सारे नेता जनता की भलाई सोचने लगे तो देश की तरक्की होने में कितनी देर लगेगी? एक बात बताइए, इस जन कल्याण की शुरुआत काली जी को कहां से करनी होगी? बुनकरों का काम बंद करा के जमीन खाली करवा दो, रुपया में चारने का हिस्सा इनका। भागीदारी का हिस्सा तो बराबर होना चाहिए, इतने घर बर्बाद करने की कीमत सिर्फ 25%। अरे नाराज क्यों हो रहे हो, बराबर की तो बराबर की सही, मैं लालची नहीं हूँ, हमका तो देश की तरक्की की चिंता है भैया। ऐसी तरक्की भी किस काम की जिससे बेरोजगारी बढ़े? मिल में काम करेंगे 200 मजदूर मगर बेरोजगार होंगे 5000 बुनकर, ये कैसी तरक्की हो रही है? घर में टीवी पहुंच गया लेकिन पीने का पानी लाने 2 कोस दूर जाना पड़ता है। बाबा तुम ही कुछ करो, अगर कृपाशंकर ये जमीन हड़प कर गया तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? इसके लिए सबको मिलकर काली के गुंडों का सामना करना होगा, डर कर घर छोड़कर भागने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं अफसर उसे बात करता हूँ ताकि कृपाशंकर जमीन के पट्टे के जाली कागजात न बनवा सके। पैसे उठाने वाला भी नहीं होगा, जमीन उसके बाप की है क्या मौसी? सरकार की बंजर जमीन है ये, इस जमीन पर हमारा हक है, अगर हम सब मिल जाए तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्यामू। हाँ दुर्गा बहन। तुम और करीम चाचा मेरे साथ चलो, हम जाके वकील से मिल लेते हैं। ठीक है बहन। वकील साहब ये हमारा पुछता ही नहीं धंधा है, घर के 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक सभी सिर्फ कपड़ा बुनने का काम ही जानते हैं, अगर ये धंधा बंद हो गया तो भीख मांगने के सिवा कोई और चारा ही नहीं रहेगा। अब आप ही बताइए वकील साहब, 74 बरस की मेरी उम्र है, आंखों से दिखता नहीं, हाथ चलाकर पेट पाल लेता हूँ, इस धंधे को छोड़कर इस उम्र में जाऊं तो कहां जाऊं? अजी इसमें घबराने की बात ही नहीं है, सरकार ने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए नियम बनाए हैं, अंडर आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन हैज अ फंडामेंटल राइट। आप अपना काम निडरता से कीजिए, अगर आप पर कोई रोक लगाने की कोशिश करे तो आई कैन टेक आउट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ द ईयर 1963 टू प्रोटेक्ट योर राइट टू योर प्रॉपर्टी। हम उन पर केस कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, काली भी उनके पीछे है। क्या काली उनके पीछे है? हाँ वकील साहब। देखो मेरे पास बहुत काम है, आप लोग कोई और वकील ढूंढ लो। मगर वकील साहब वो कायदे जो आप वो तो सब ठीक है, लेकिन वो देखिए ना, मैं जो केसेस मैंने पहले लिए ना उनका भी तो मुझे काम करना है। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप लोग जाकर कोई और वकील ढूंढ लो प्लीज। नमस्ते। अच्छा सुभाष रायलाना। जी मैम साहब। पहले ग्रामोफोन कंपनी में काम करते थे। क्यों? कुछ नहीं, सोच रही थी कितनी जल्दी रिकॉर्ड बदल देते हैं आप। लक्ष्मी और क्या, बेचारे गरीब लोग कितनी उम्मीद लेकर आए थे और आपने काली का नाम सुनकर ही भगा दिया, इस तरह कानून के रखवालों पर कौन विश्वास करेगा? देखो लक्ष्मी, बेकार की झंझटों में पड़कर मैं अपनी शांति खोना नहीं चाहता हूं, मैं काम करता हूं जिंदा रहने के लिए ना कि जुआ खेलने के लिए। इस तरह शहर के सारे वकील उनका मुकदमा लड़ने से मना कर देंगे तो बेचारे गरीबों का क्या होगा? तेरा सत्यानाश हो, वो हरामी काली कहाँ है? टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं।
है। हट हराम जादी, नहीं तो तेरा सर भर दूंगा। अरे हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? काली के गुंडों ने इसे मारा है। शामू, जल्दी इसे अस्पताल पहुंचाओ, जल्दी करो। शामू। यस सर। सॉरी ऑफिसर, मैं इस मरीज का इलाज नहीं कर सकता। क्या? आप भी काली से डरते हैं? काली जी से डरने वाले लाखों में मैं भी एक हूं। डॉक्टर, मरने से पहले उसका बयान लेना बहुत जरूरी है ताकि मैं काली को गिरफ्तार कर सकूं। सॉरी ऑफिसर, यूं समझ लीजिए कि मैं इस वक्त ड्यूटी पर ही नहीं हूं। एक गुंडे से डरकर आप पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। एक डॉक्टर होकर अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं आप। क्या फायदा है इसे एजुकेशन का? मैं आपकी शिकायत करूंगा। सब शामू को होश आ गया है। चलो आइए सब। शंकर बाजू। शामू कैसे हो? शामू साहब। हाँ साहब, मैं बोलो बोलो। मैं बचूंगा नहीं साहब। मरने से पहले अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करके शांति से मरना चाहता हूं। एक मिनट। हाँ बोलो शामू। सर, काली के, हाँ काली के गुंडे और हमारी हमारी बस्ती तोड़ दी, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। सर फिर बोलो। हमारे बाल बच्चों को पूरी तरह से पीटा था, हमारे औरत लोगों को पूरी तरह। इसमें देखो, ओ इंस्पेक्टर, शायद गलत जगह पर आए हो। मैं बिल्कुल सही जगह और सही वक्त पर पहुंचा हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। बंद कर दो इसे। जी सर। हाँ, क्या बकते हो? वो दो कौड़ी के पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि हमारे युवा नेता काली जी को गिरफ्तार कर लिया। अब हमारी पार्टी की इज्जत क्या कहा होगा? पांच मिनट से ज्यादा अगर काली पुलिस स्टेशन में रहा तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा सुनो, एक काम करो, शहर में हंगामा करवा दो। कॉलेज बंद, बाजार बंद, पूरा शहर बंद करवा दो। दो चार जगह फतराओ, पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल, ऐसा बलवा करो पुलिस वाले भी याद रखे। और सुनो, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे ये कृपा शंकर है। युवा नेता श्री काली जी जिंदाबाद। बालिकाओं, जब तक काली जी की रिहाई नहीं हो जाती कॉलेज बंद रहेगा। चलो बुढ़ो, काली जी जिंदाबाद। आपने मुझे बुलाया सर? तुम जानते हो कि काली की पहुंच दिल्ली तक है, फिर भी तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया? सर, अपराधी को गिरफ्तार करते समय सिर्फ उसका अपराध ही मेरे सामने होता है। देखो अजय, उम्र का जोश नौकरी में दिखाने का अंजाम तुम नहीं जानते। मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए कहता हूं काली को रिहा कर दो। मैंने सोचा था सर कि आप मेरी पीठ ठोकेंगे, लेकिन माफ कीजिए सर, आप मेरी बहादुरी से ज्यादा उस गुंडे की सराहना कर रहे हैं और मुझे अपना कर्तव्य करने से रोक रहे हैं। देखो, कर्तव्य कानून इनकी पूछ पकड़े रहोगे ना तो रोक से हाथ धो बैठोगे। जाओ काली जी को रिहा कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काली को नहीं छोड़ूंगा। देखो तुम बेकार की जिद कर रहा जाए। जिद नहीं सर, जिम्मेदारी निभा रहा हूं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, मैं मलानी बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। एक छोटी सी सूचना देनी थी। काली जी ने कहा है कि झोपड़ पट्टी वाला शामू अस्पताल में मरना नहीं चाहिए। अगर वो मर गया। नहीं नहीं वकील साहब, उसे कुछ नहीं होगा।
मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन तुम समझते हो भैया शामू कि तुमने हिम्मत से काम लिया और काली के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। अब भैया तुम्हारे सामने जब तुम्हारे बेटे को लूला कर दिया जाएगा, तुम्हारी बेटी किसी बाजार में बेच दी जाएगी और ये देख के तुम्हारी बीवी पागल हो जाएगी, तब ये जिंदगी तुम्हें मौत से भी भयंकर लगेगी। लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अगर चाहते हो ये सब कुछ ना हो तो बाहर जाकर अखबार वालों को बयान दो कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती काली के खिलाफ तुमसे रिपोर्ट दिलवाई थी। बस तुम्हें 25,000 रुपए मिल जाएंगे और नगर पालिका में नौकरी भी पक्की। काली कल परसों बाहर आ ही जाएगा और इसके बाद अगर बयान बदलना भी चाहो तो कुछ नहीं होगा। सोच लो, ये आखिरी मौका है शाम। क्यों भाई, अखबार पर किसका गुस्सा उतार रही हो? आप इसे अखबार कहते हैं? एक गुंडे की रिहाई पर उसे मुबारकबाद देने के लिए एक खास अखबार निकाला है। क्या करे भाई, शहर में अखबार चलाना है तो काली को तो खुश रखना ही पड़ेगा। मुबारक हो सर, जेल यात्रा मुबारक हो। जेल यात्रा तो जनता के महान नेताओं के लिए गौरव की बात रही है। देखिए सब जगह से शुभ समाचार आ रहे हैं। काली जी का स्वागत करते युवा संघ की तरफ से, व्यापार संघ काली जी का स्वागत करता है, सिनेमा मालिक एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक बधाई। यकीन है आप जो कह रही हैं वो सच? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओह माय गॉड, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। प्रार्थना आप बाद में कर सकते हैं, पहले उस खूनी को गिरफ्तार कीजिए ना। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, एक सच्चे नागरिक का फर्ज निभा रही है आप और जोश में आकर रिपोर्ट तो कर रही है, लेकिन कल गवाही के वक्त आपका पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं काली के खिलाफ गवाही दूंगी। देवी जी, नौकरी के दौरान हमने बहुत से देखे हैं जो गवाही के वक्त दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं और हमें अदालत में बेवकूफ बनना पड़ता है। इंस्पेक्टर, एक पुलिस अफसर के खून की खबर सुनकर आप ऐसे आराम से बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
न फोन करके पुलिस को अलर्ट कर रहे हैं, न खुद चलकर खुली को गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे तो आपकी नीयत पर शक हो रहा है। आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है, लेकिन क्या करूं, ना तो इस वक्त कोई गाड़ी है ना फोन काम कर रहा है। एक पेपर तो होगा आपके पुलिस स्टेशन में जिस पर मैं रिपोर्ट लिख दूं। उसका आप कष्ट न करें, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा। जी नहीं, मैं रिपोर्ट लिखकर ही जाऊंगी ताकि वो कागज का टुकड़ा आपको अपनी ड्यूटी की याद दिलाता रहे। कौन है वो औरत? लक्ष्मी नाम की कोई लेक्चरर है और उसका पति एक वकील है। आप लोग मुझे मुजरिम की तरह क्यों देख रहे हैं? क्या गलती की है मैंने? मेरी आंखों के सामने खून हो गया, उसकी रिपोर्ट कर दी, उसमें कोई अपराध तो नहीं किया? अपराध तो वो लोग कर रहे हैं जो मुझे अपना फर्ज पूरा करने से रोक रहे हैं। लक्ष्मी, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। कब तक खामोश रहूं? अब नहीं सहा जाता। मैं तो समझ रही थी कि आप मेरी हिम्मत को सराहेंगे, मेरी मदद करेंगे, एक वकील है मुझे सलाह देंगे, लेकिन आप वकील का काला कोट पहनकर मुझे सच्चाई को दफनाने को कह रहे हैं। लक्ष्मी, उसने किसी और को नहीं, जान की बाजी लगाकर कानून की रक्षा करने वाले एक पुलिस अफसर को मार डाला। तुम वहाँ अकेली नहीं थी, जिस तरह हजारों के बीच खामोश रही, तुम भी खामोश रह सकती थी, जिम्मेदारी क्या सिर्फ तुम्हारी थी? अब हर कोई जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो यह गुंडागर्दी रोकेगा कौन? आप जैसे लोगों की कार और निकम्मेपन की वजह से वो गुंडा कानून को अपने पैरों तले रोंद रहा है। हम सब तुम्हारी भलाई चाहते। देखिए, आपका प्यार, आपकी चाहत आपको कमजोर बना रही है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे अपना क्लाइंट समझकर ये केस ले लीजिए, अदालत में साबित कर दीजिए कि काली खूनी है। मैं तो क्या भगवान भी नहीं साबित कर सकता, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो चलो चलकर रिपोर्ट वापस ले लो। न्याय और अन्याय का फैसला तो राम के हाथ है। जोश में आकर अपने परिवार को नष्ट मत करो बेटी। रहने दीजिए पिताजी, ये तलाक से नहीं डरती, ना इसको बुजुर्ग के प्रति आदर। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके बयान देता हूँ कि मेरी बीवी पागल हो गई है। आप मुझे इसलिए पागल साबित करना चाहते क्योंकि मैं कायर नहीं हूँ। सुनिए, देखिए, आप मेरे पति हैं ना? सुनिए, छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो, मेरी बात सुने बिना आप कैसे? बहुत सुन चुका हूँ मैं। देखो, मैं भगवान, वो तो आ गया। अरे अरे काली जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता। वादा भूलने वाला आदमी नहीं हूं। 24 घंटे पूरे हो गए। मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा था ये बताने कि मेरी बीवी पागल हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे मालूम था कि तेरी बीवी जिद्दी है और तू डरपोक, इसलिए रिपोर्ट मैं खुद लेकर आया हूं। ये तो और भी अच्छा हुआ, अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। किस्सा तो अब शुरू हुआ है। तू गई थी ना काली के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने? शाबाश, बड़ी बहादुर है। अरे जरा महारानी को भी सड़क पर तो लेकर आ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, पागलपन में इससे गलती हो गई है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। एक वकील होकर अपना स्वाभिमान मारकर इसके पैर पड़ रहे हो? शट अप! इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? चुपचाप इनके पैरों पर गिरकर माफी मांगो। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बादल और गुंडे के पैर कभी नहीं पड़ूंगी। क्या भक्ति है! सिंहासन पर बैठे कुत्ते को भी कुत्ता ही कहते हैं। दादाजी, दादाजी, देखिए वो गुंडे क्या कर रहे हैं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और तू कर भी क्या सकता है? इस शहर के लोग तो वैसे भी तेरे डर से जिंदा लाशें बन चुके हैं। शायद मेरी मौत इन लाशों में जान फूंक दे और तेरा अंत देखे। मार डाल मुझे, मार, मारना। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। तूने रिपोर्ट दी थी ना कि मैंने खून किया है? अब देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है, कौन करता है मेरे खिलाफ रिपोर्ट और कौन बचाता है तेरी इज्जत। ए, पकड़ो इस कुतिया को, इसके बदन से एक एक करके कपड़े उतारो। जब तक जिए अपमान और बदनामी की शर्म से पल पल मरती रहे।
उस औरत को बचाओ ना, रोको उन लोगों को। हमें क्या लेना देना, चलो अंदर। ठहरो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण लोगों ने आगे फाड़ फाड़ कर देखा था, आज तुम भी देखो, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। अगर किसी ने इस परंपरा से नजर फेरने की कोशिश की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका भी इसी तरह वस्त्र हरण किया जाएगा। खींचो साड़ी। चलो इंटेलिजेंसिया सब नामर्द बुद्धिजीवी है। जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आजाद कराया, उसी देश में इन कायरों की फौज पल रही है। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस शुभ दिन पर इस झंडे ने एक औरत की लाज बचाई है। लो स्वतंत्र भारत की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कहाँ जाओगी बहन? मैं किसी के लिए समस्या नहीं बनना चाहती, और मैं समस्या से नहीं डरती। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा रखूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सोच रही हूँ लक्ष्मी,
तुमने इतना साहस करके मेरा साथ दिया। मेरी वजह से अगर तुम पर कुछ बीते तो मैं सह नहीं सकूंगी। जीवन में जो तूफान आना था आ चुका। न जाने कितने दर्द सीने में छुपा रखे हैं। दुर्गा, जिस दिन मेरे पति को इस किनारे पर चलाया गया उसी दिन से अपने आंसू मैंने अपने अंदर छुपा लिए हैं। बस अब उस दिन का इंतजार है। तुम्हें ताज्जुब होता होगा कि मैं विधवा होकर भी सुहागन की तरह रहती हूं। तुम्हारी बेइज्जती करने वाले काली ने मेरा भी जीवन उजाड़ा है। उसने हमारे पसीने की कमाई पर, खाते हुए खाने पर, यहां तक कि लेती हुई सांसों पर भी अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। भगवान के लिए छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे तू मारा, उठो बाबा, खबरदार इसको किसने हाथ लगाया। तो क्या हो बाबा, क्यों मार रहे हैं इस बुड्ढे को? क्योंकि इसने काली जी का हफ्ता नहीं दिया है। कौन सा हफ्ता? इस बस्ती में रहने का और धंधा करने का। अरे बस्ती क्या काली के बाप की है? अच्छा अच्छा, तो तू इनका नेता है, इस बगाव की जड़? नहीं, मैं इनका साथी हूँ। जानता है काली जी से बगावत का अंजाम? हाँ मालूम है, पागल कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आएगा और दो चार काट कर चला जाएगा। इसकी बातों मत हो बाबू, ये थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, इसका दिमाग खराब हो गया। ये लो पैसे। रुक जाओ चाचा, इन कुत्तों को हड्डियां डालोगे तो घर में आकर बैठ जाएगा। ठीक है बेटे, देख लेंगे। बस्ती वालों पर भरोसा करके तुमने काली से दुश्मनी तो मोल ली, क्या लोग तुम्हारा साथ देंगे? नहीं दुर्गा, देख पहल तो किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी। सोच रहा हूँ कि इसी तरह से बस्ती वालों में हिम्मत आ जाए। क्यों बे, अपने आप को मर्द समझने लगा है या इन लोगों का नेता बनने का सपना देख रहा है? हा? बहुत दिनों तक तेरी हुकूमत इस बस्ती में चलती रही है, पर तू इतना समझ ले काली, अब एक पाई भी गुंडागर्दी करके तू इस बस्ती से नहीं ले जा सकता। अच्छा, मत मारो इसको, मत मारो, छोड़ दे इसको, मत मारो इसको, छोड़ दे इनको, छोड़ दे दुर्गा, आज फैसला हो ही जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी, छोड़ दे इनको। नहीं, इसको छोड़ दूंगा तो यहाँ का हर एक बच्चा सर उठाएगा, इसलिए इसको जिंदा नहीं रखना है। देख देख तेरी बीवी विधवा होके कैसी लगेगी, अच्छी तरह से देख। जो कोई काली का विरोध करेगा उसका भी यही हाल होगा। चलो नहीं दुर्गा, नहीं, रोना मत, देख रोना नहीं, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, वो आप देखना चाहता हूं जो पाली को जलाकर राख कर दे। देख मेरी मौत और बस्ती वालों की
कायरता से हिम्मत मत हारना। जब तक इस पापी का अंत न हो जाए सदा सुहागन की तरह जीना। सुहागन की तरह दुर्गा। उस पापी के जुल्म को भूल न सको इसीलिए यह मंगलसूत्र पहनती हूं। एक दिन काली के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी ताकि किसी और औरत का जीवन न उजाड़ सके। तब पहुंच दूंगी यह सिंदूर और तोड़ दूंगी मंगलसूत्र। हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं? इस पॉइंट पे विचार करना चाहिए सर। अब बस भी करो मां। चुप हो जा पार्वती, तुम्हें तुम्हारी ममता रुला रही है। मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया है। पिताजी आप मेरे फैसले से सहमत हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बेटी जिद में आकर अपना घर बर्बाद मत करो। तुम इसे जिद कर रही हो? शादी के मंडप में पल्लू से गांठ बांधने वाला पति नहीं होता बल्कि पत्नी की जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने वाला पति होता है। पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेने वाला पति नहीं होता बल्कि पत्नी के जीवन को हर आग से बचाने वाला पति होता है, सच्चा पति। बेटी हमारे होते हो तुम अकेली नहीं रहोगी, चलो घर चलो। नहीं पिताजी, आपने तो मेरा कन्यादान करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। लड़की जब पराए घर की हो जाती है तब मेहमान बनकर मैके आती है, जिंदगी भर रहने के लिए नहीं। आपने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रह सकूं। बस और क्या चाहिए मुझे, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। तेरा ये आत्मविश्वास ही तेरी रक्षा करेगा बेटी। प्रीति रहो। बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं ये तस्वीरें किसने बनाई हैं? बड़ी खुशी हुई, आप लोग शादीशुदा न होते हुए भी स्त्री के गुप्त अंगों की नापतोल की इतनी जानकारी रखते हैं। लगता है आप लोग अपनी माँ बहनों को नंगा नहाते हुए दरारों से झांक झांक कर देखते रहे हैं। मैडम तभी से बात करो। माँ बाप और गुरु को भगवान का रूप मानना हमारी परंपरा रही है, लेकिन आप लोग एक माँ को एक गुरु को वासना की नजर से देख सकते हैं ये सोचकर भी शर्म आती है। क्यों, बीज बाजार में नंगी हुई थी तो शोरूम नहीं हुई थी? मैंने तो सिर्फ बदन के कपड़े खोए हैं, लेकिन तुम लोग अपना नैतिक मूल्य खो बैठे हो। एक गुंडा जो राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता वो आज इस शहर के नेताओं का मुखिया बन सकता है, देश का भविष्य बनाने वाले नौजवानों को कठपुतली बना सकता है। उसने मुझे नहीं तुम सबको नंगा किया है, इस स्वतंत्र भारत देश के 38 साल के इतिहास को नंगा किया है। तुम लोग तो मुझसे पहले नंगे हो चुके हो। जरा सोचो कल तुम्हारी माँ बहनों को मेरी तरह सड़क पर नंगा किया जाए तो क्या उसकी मजबूरी देखकर शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिरोगे या फिर आत्महत्या कर लोगे? कपड़े उतारने के बाद सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारी माँ बहने भी ऐसी लगेगी। क्या भुगती हो? Thank you.
लक्ष्मी कॉलेज में बेहोश हो गई। हाँ बेटे, और ये भी सुना है कि जब उसे अस्पताल में दाखिल किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। नहीं डॉक्टर, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शांत हो जाइए मिसेस जोश। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरी कोख में नहीं बनना चाहिए। इसे निकाल दीजिए डॉक्टर। लक्ष्मी, नहीं डॉक्टर, इसे निकाल दीजिए। क्यों जिद कर रही हो? तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पति के खिलाफ है, उस मासूम से नहीं। जोश में आकर क्यों उसे मार देना चाहती हूँ? नहीं दीदी, न मैं जोश में हूँ न गुस्से में। डॉक्टर, मेरा हाथ रोशन कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज। लक्ष्मी, तुम अबॉर्शन नहीं करा सकती। 3 साल आपकी पत्नी बनकर रहने के बावजूद भी मुझसे जरा सा भी अपनापन नहीं हो पाया, और 3 महीने के खून के कतरे से इतना मोह हो गया। खुशी की बात है, वैसे आप पति बनकर आए हैं,
या पिता? इस वक्त मैं पिता की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इतने दिनों से मैं किस हाल में रही ये जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की। मैं शर्म से मरी या जिंदा रही उसका ख्याल तक नहीं आया। लेकिन खुद को मर्द साबित करने के लिए इस बच्चे की जान बचाना चाहते हो। मेरी अंदर की औरत तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन बीच सड़क पर तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी गई। उसी दिन मैंने माँ बनने का अधिकार खो दिया था और तुमने बाप बनने का। तुम्हारी इसी मूर्खता ने तुम्हें इस हाल पे पहुंचाया। तुमने परिवार का सुख चैन तो छीन लिया और अब एक औरत होते हुए भी माँ बनने का सौभाग्य खोने के लिए तैयार हो गई हो। ठीक है, मैं मूर्ख हूँ। माँ बनने का सौभाग्य खोने का फैसला किया है मैंने, लेकिन इस फैसले पर पहुँचने से पहले किस नर्क से गुजरी हूँ ये कभी सोचा है आपने? अच्छा एक काम कर सकते हैं, जिस काली ने मेरा अपमान किया है उसे एक बार, सिर्फ एक बार जाकर कह सकते हैं कि तूने मेरी पत्नी के साथ अन्याय किया है। बोलिए, हे हिम्मत। अब इन बातों का क्या फायदा, ये सब किस लिए? मेरी खुशी के लिए। मैं आप में ऐसा पति देखना चाहती हूँ जो पत्नी के अपमान को अपना अपमान समझे, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि मेरा पति नीति, न्याय, धर्म और कानून सिर्फ किताबों में पढ़ता नहीं बल्कि जीवन में उनका पालन भी करता है। जाइए, जाइए और पापी से चीख चीख कर कहिए कि काली, तूने मेरी पत्नी के साथ अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, कुछ नहीं। लक्ष्मी, मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए तो इतनी हिम्मत कीजिए, बोलिए ना। अब क्या सोच रहे वकील साहब? ये मुझसे नहीं होगा। तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लक्ष्मी, एक औरत अपने पति की गरीबी में खुश रह सकती है, उसके ऐब सह सकती है, लेकिन उसकी कायरता नहीं सह सकती। जिसकी पत्नी को सड़क पर नंगा किया जा रहा है और वो कायरों की तरह देखता रहे, ऐसा पति मैंने आप में देखा है। लेकिन मैं ऐसा कायर पैदा नहीं करना चाहती जो अपनी माँ का सड़क पर बलात्कार होते देखता रहे। चले जाइए यहाँ से, कहती हूँ मैं, चले जाइए यहाँ से, दूर हो जाइए मेरी नजरों से। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। लक्ष्मी, ऐसा क्यों सोचती हो कि यह बच्चा तुम्हारे पति की तरह कायर होगा? हो सकता है तुम्हारी तरह बहादुर हो। नहीं नहीं, इस संदेह से मैंने ये फैसला नहीं किया है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए न जाने किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा मुझे, कोई भरोसा नहीं। और मैं नहीं चाहती इन हालात में मैं अपने औलाद का मोह रखूं और मेरे बाद मेरी औलाद सड़कों पर भटकती फिरे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर रह गई थी जो पूरी करने आप लोग यहाँ चले आए? नहीं मैडम, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो हम लोगों ने किया है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ मैडम, हमें आज तक या तो हमसे डरने वाले लोग मिले या फिर हमें इस्तेमाल करने वाले, आपकी तरह समझाकर सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। हाँ मैडम, गुरु की तरह ना सही, एक बड़ी बहन की हैसियत से हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम आपकी कसम खा के कहते हैं मैडम कि आज से हम आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। कितने बदल गए हो तुम लोग, यही परिवर्तन जागृति की नींव डालेगा और प्रगति की बुनियाद बनेगा। भाइयों, आज बहुत जरूरी फैसला करना है। इलेक्शन सर पर बैठा है, अभी तक उम्मीदवार का चुनाव नहीं हुआ। वैसे तो आजकल जिसे देखो राजधानी पहुंचकर टिकट मांग रहा, उधर बैठ के प्रजातंत्र की बात करता है। उससे पूछो प्रजातंत्र क्या है तो बोलता है जापान में नया यंत्र बना है ना, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। ऐसा है, जेब में चार पैसे आए, खड़बड़ा गए, चिल्लाने लगे, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो। क्या ये हलवा है, चटाचट चटाचट चट जाओ। देखो भाइयों, ऐसा उम्मीदवार चुनो जो शक्तिशाली हो, जिसकी शहर में थाक हो और इलेक्शन में खूब माल खर्चा करे।
अध्यक्ष महोदय और समिति के सदस्यगण, मुझे बड़ा खेद है कि देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, अन्याय, भूख और आतंकवाद पर विचार करने के लिए हमारी बैठक कभी नहीं बुलाई गई, लेकिन आज हम उम्मीदवार को चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस बार हम ऐसा उम्मीदवार चुने जो ईमानदार हो, निस्वार्थी हो और सज्जन हो। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। इसी पर विचार करते हुए हम प्रस्ताव रखते हैं शहर के इज्जतदार और महान समाज सेवक श्री काली जी को ही इस क्षेत्र से खड़ा करें। श्री काली जी जिंदाबाद। श्री काली जी जिंदाबाद। क्षमा कीजिए, आपका ये निर्णय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लो हमारा फैसला, यानी पार्टी का फैसला इनको पसंद नहीं है। इनको टिकट नहीं मिला ना, इसलिए। अब देखो, ऐसे बुड्ढों को टिकट दे, कल राम नाम सच हो जाए तो फिर इलेक्शन कराओ, देश का नुकसान कराओ, दूसरा काम नहीं है क्या? अर्थी उठाओ, इलेक्शन कराओ, अर्थी उठाओ, इलेक्शन कराओ। ना तो मुझे पार्टी के टिकट का लालच है और न चुनाव लड़ने की इच्छा। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काली की कौन सी विशेषता देखकर आपने उनका चुनाव किया है? हमने काली जी का पूरा इतिहास देखा, इनकी सेवाएं पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। तब तो ये बैठक पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए थी, वहाँ शहर के तमाम गुंडों की लिस्ट रहती है, उनमें जो सबसे बड़ा गुंडा है उसी को टिकट दे देते। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, एक बाजार गुंडे को खादी पहनाकर इज्जतदार साबित कर रही, उसकी बराबरी हमारे इन महान नेताओं से कर रही जिसने भरे बाजार में एक पुलिस अधिकारी का दिन दहाड़े खून कर दिया है, उसे जनता का नेता बना रही जिसने भरे बाजार में एक स्त्री को नंगा कर दिया है। सरकार में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या बकता बटे? हमें गुंडा राज्य नहीं चाहिए, गुंडा राज्य नहीं चाहिए, गुंडा राज्य नहीं चाहिए। इतना बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे बिना इस पार्टी की हैसियत क्या है? हमने इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया? लोगों को डराया, धमकाया, उनसे इस पार्टी को चंदा दिलवाया, खून किए, लूटमार की, रिगिंग की। एक भी नेता का नाम बताओ जो हमारी मदद के बिना इलेक्शन में जीता हो। देश की सेवा के लिए पिटने की आदत है हमें काली जी, अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद कराने के लिए उनकी लाठियां खाते थे तो इस देश के लिए बार बार मरने की इच्छा होती थी, लेकिन आज इस देश को तुम जैसे गुंडों के चंगुल से छुड़ाने के लिए और जीना पड़ेगा, एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। चलता हूँ भाइयों, सबको नमस्कार। मरने दो ससुर दर्द को, बुढ़ापे में सठिया गया है भैया काली, उसकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। ये लो, अब सुनो, हमने फैसला किया कि इस क्षेत्र से काली ही इलेक्शन लड़े। श्री काली जी जिंदाबाद। श्री काली जी जिंदाबाद। क्या गोपाल बाबा जैसे बुजुर्ग के मुंह पर थप्पड़ मारा और सब लोग देखते रहे? इसमें कौन सी नई बात है? कल काली चुनाव भी जीत जाएगा, फिर उसके अत्याचार किस हद तक बढ़ेंगे भगवान ही जाने। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं चुनाव लड़ूं? हाँ बाबा, आज तक इस शहर में काली सबकी किस्मत का फैसला करता रहा, इस चुनाव की वजह से उसकी किस्मत का फैसला उनके हाथ होगा जिन पर वो कई सालों से अत्याचार करता आ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है बेटी, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही। लेकिन बाबा, काली के खिलाफ चुनाव लड़के हमें लोगों को उनकी पसंद का नेता चुनने का मौका तो देना चाहिए ना। नेता तो वो होना चाहिए जो दूर तक लोगों का साथ दे, और वो मुझसे ज्यादा तुम दे सकती हो। तुम क्यों नहीं चुनाव लड़ती? बाबा मैं हाँ, सारा शहर तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचार के बारे में जानता है। इस शहर के लोगों के दिल में काले के लिए नफरत तो है, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं। अगर मौका मिलेगा तो वो नफरत उमड़ पड़ेगी। लेकिन मैं तो राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं कैसे नेता बन सकती हूँ? तुम जिस राजनीति की बात कर रही हो
वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के तरीके हैं। असली नेता तो वो है जो निस्वार्थी होकर गरीबों की सेवा अपनी जान की बाजी लगाकर करे, और सबसे बड़ा गुण तुम्हारा यही है बेटी। लेकिन मुझे आसान नहीं लगता। मुश्किल भी तो नहीं है दीदी। मैडम, आपने यहाँ आकर मजलूमों के दिलों में एक आशा पैदा की कि उनके लिए भी लड़ने वाला कोई है। अगर आप ही इस तरह सोचेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो उस औरत को जानते हैं दीदी, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया, जो हिम्मत और बहादुरी की जीती जागती मिसाल है, और वो औरत कमजोर नहीं हो सकती दीदी। हाँ लक्ष्मी, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। हम सब एक ही बात चाहते हैं, काली का नाश। सलाम साहब। अरे अरे, कौन हो तुम? कांस्टेबल करमवीर। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ काली के खिलाफ। ये रही मेरी अर्जी। बाहर जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि पागल चुनाव नहीं लड़ सकते। दुनिया के हर महान हस्ती को लोगों ने पहले पागल ही समझा है। आपकी कोई गलती नहीं। चलो, धक्का मत मारो। अगर मैं कल मंत्री हो गया तो इन्हीं हाथों से सलाम करना पड़ेगा। प्रकाश जी साहब, हवलदार को बुलाओ। हाँ बुलाओ बुलाओ, वो तो सब मेरे साथी है। एक बात बताओ, आज तक बुद्धिमान लोगों ने राज करके जनता को हमेशा पागल बना दिया है ना? अब 5 साल के लिए पागलों को हुकूमत करने दीजिए, सिर्फ 5 साल, फिर देखो चारों तरफ शांति ही शांति। आप मेरी अर्जी मंजूर कीजिए। इस पागल को धक्के मार के बाहर निकाल दो। साहब साहब साहब, वो गुंडा काली स्मगलर है साहब। साहब उसकी अर्जी मंजूर करते हैं, मेरी को नहीं करते। साहब साहब साहब, ये लोग देश को बेच देंगे। साहब एक मौका दीजिए काली को हराने का। साहब साहब साहब, मेरी बात सुनो साहब, मेहरबानी करो साहब, साहब मेहरबानी करो साहब। पागल तू, पागल तेरा बाप, पागल तेरा दादा, पागल मरे हुए पागल, फायदा होने वाले पागल, पागल। चलो चलो काली जी जिंदाबाद। लीजिए, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। देवी जी, लोफरों और भिकमंगों की फौज से चुनाव नहीं लड़ा जाता। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और बात है, और सत्ता चलाना और। चार कॉलेज के लौंडे क्या साथ हो लिए, समझ लिया आपने मैदान मार लिया। गंगा भी चार बूंदों से शुरू होती है वकील साहब, लेकिन हिमालय जैसे पर्वत को काटती हुई समुन्दर तक पहुँच जाती है। अब मैदान में आकर ही पता चलेगा कि मैदान कौन मारता है। वो तो हम अभी भी बता सकते हैं क्या होगा, बस यही चार यार नजर आएंगे, पांचवा ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे किराए की भीड़ इकट्ठी करनी भी नहीं। उसकी आपको जरूरत पड़ेगी हार के बाद शोक सभा बनाने के लिए। आज तक ये थे कहाँ, कैसे आई इनको हमारी याद जी, हर रहम दिल क्यों कर हुए जल्लाद जी।
बेटियां ले आए हैं, हम भी बनवा बेईमान, हमें पटियाले आए हैं, पटियाले आए हैं, वोट हथियाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार ये हम समझाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार ये हम समझाने आए हैं, समझाने आए हैं इसे जितवाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, जब चाहें ये करते लूट खसोट, करते लूट खसोट, ये टंके की चोट पे भैया करे चोट पे चोट, कहीं चोट पे चोट, कागज के ही नोट है इनके, कागज के ही वोट, कागज के ही वोट, अरे कागज की है नैया इनकी नीयत में है खो, सारे मिलके, सारे मिलके देश की नाव डुबाने आए हैं, हमने बनवा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमने बनवा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, पांच साल के बाद सकल दिखलाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार ये हम समझाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार ये हम समझाने आए हैं। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। हम अभी के पोस्टर लगा रहे हैं। शाबाश। देखो जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, अपने पास समय बहुत कम है, शहर में सभी जगह काली जी के पोस्टर लगने चाहिए, इतने पोस्टर लगने चाहिए कि अगर अंधे ने भी टटोल के देखा तो उसे भी अपने ही पोस्टर नजर आने चाहिए, समझे? साहब हम सोच रहे थे कि चार रिक्शे ले लें खरीद के। नहीं 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 नहीं, किराए पे, क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या? हाँ पैसे की चिंता मत करो, काम होना चाहिए। क्या साहब, इससे क्या होगा साहब, रात भर काम करना है। कुछ चाय पानी? चाय पान, चाय पान, लेकिन मेरे पास इतने ही सब। आप जानते हैं काम कैसे करवाया जाता है, अब आप देखिए काम कैसे होता है। चले करवा, शुरू हो जा, शुरू हो जा। मिल गया। ओ आई आई लक्ष्मी आई, अच्छे अच्छों का बाजा बजाने, पम पम। आई आई लक्ष्मी आई, अच्छे अच्छों का बाजा बजाने, हे हे हे। आई आई लक्ष्मी आई, अच्छे अच्छों का बाजा बजाने, आई आई लक्ष्मी आई, अच्छे अच्छों का बाजा बजाने, आई लक्ष्मी आई, अच्छे अच्छों बाजा बजाने, ये लक्ष्मी आई, बाजा बजाने। आई आई रे लक्ष्मी आई, आगे देखो। सेवक पार्टी, आप सब जानते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने कितने जन्म लिए। पुराण में घोषणा है कि आखिरी अवतार कल्कि अवतार है, लेकिन वो झूठ है, आखिरी अवतार है काली अवतार। इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी की पहचान ये फरसा रखा है, क्योंकि ये फरसा ही देश में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय का अंत कर देगा, अत्याचार की जड़ें काट कर रख देगा, दहेज की प्रथा खत्म कर देगा, गरीबी का नाश कर देगा। और ये मैं झूठ है, ये सब झूठ है। ये फरसा गरीबी का नहीं, गरीबों का नाश करेगा, ये भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि ईमानदार अफसरों का अंत करेगा,
इधर देखो, ये अन्याय की नहीं, न्याय की जड़े काटेगा। जन सेवक पार्टी जिंदाबाद। आप इन लोगों की झूठी बातों में मत आइए। उधर क्या देख रहे हैं? अब मंत्री मंत्री जी क्या बोल रहे हैं उधर सुन। अरे इधर क्या देख रहा है? उधर देख। ओए मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? देख। अबे तुझे क्या लेना था ना, मैं किधर भी देखू चमचे साले। ये बदमाशी के भंडार, बदमाशी के भंडार। इनका जन्म हुआ जग में जब झूठे मरे हजार, झूठे मरे हजार। जग जाहिर है इनके चरित्र, इनके अत्याचार, इनके अत्याचार। इनके जोर जुलम के आगे कंस ने मानी हार, कंस ने मानी हार। आज पड़ी, आज पड़ी दरकार, तो प्यार जताने आए हैं। हमने बलमा बेईमान, हमें पटियाने आए हैं। हमरे बलमा बेईमान, हमें पटियाने आए हैं। चांदी के जूते से हमें जुतियाने आए हैं। करेगी बेड़ा पार, ये हम समझाने आए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आप सबको ये बताने आई हूँ कि कल गांधी मैदान में अपनी मीटिंग होगी, जिसमें आप सबको आना है और अपनी एकता की शक्ति दुश्मनों को दिखानी है। लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद, लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद, लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद। अगर कल की सभा मुकम्मल हो गई तो लोगों को उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। काली जी, हमें कुछ करना चाहिए। समय का इंतजार करो, इंतजार से कहीं देर ना हो जाए। वैसे तो लक्ष्मी के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है, लगता है कल की सभा जबरदस्त होने वाली है। नंगे भूखों की भीड़ से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के बड़े बड़े तक नंगे भूखों ने पलट दिए हैं। मुझे शगुन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दूर से ढोल की खतरनाक आवाजें सुनाई दे रही है। मैं वो ढोल ही नहीं छोड़ूंगा जिससे आवाज आ रही है। धर्मपुरा पुलिस स्टेशन, कौन बात कर रहा है? काली। अब बोलिए काली जी। कौन बात कर रहा है? मैं इंस्पेक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ, हुकुम कीजिए। सुना है कि कल गांधी मैदान पर लक्ष्मी की सभा होने वाली है। जी। वो नहीं होनी चाहिए। काली जी, मैं सभा तो नहीं रोक सकता, लेकिन सभा के पहले किसी दूसरी पार्टी के लोग पहले ही पंडाल वंडाल तोड़ फोड़ दे तो पुलिस कहां तक रोक सकती है? ऐसे फसाद तो होते ही रहते हैं ना। सही कुर्सी पर चिपके हुए हो। कितने सितारे हैं कंधों पर? अभी तक तो दो ही है। इलेक्शन के बाद तीन हो जाएंगे। और बच्चों, हार गए तो समझो सितारे गर्दिश में। अरे जल्दी आना यार, तू इधर आ। अरे अरे क्या है यार, ये क्या क्या किया हुआ है यार, तुमने समझ नहीं आ रहा? लोग किसने लाने के लिए, बांधने के लिए बीच में? यार ये सब क्या पंडाल वंडाल लगा रखा है? हटाओ यहाँ से। अरे भाई किस लिए? यहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग मीटिंग कुछ नहीं होगी, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? गावस्कर देखने दे, लगता है मैच होने वाला है। अरे काले गुंडे ने लूटमार करते करते क्रिकेट टीम को हमसे बना ली।
मैडम, मुझे यकीन है जो खून तुम लोगों ने बहाया है वो बेकार नहीं जाएगा। हमारी मीटिंग जरूर होगी और कामयाब भी। लक्ष्मी जोशी, आप सबको इतनी तादाद में यहाँ देखकर आपकी इच्छा का अंदाजा तो किसी बच्चे को भी आ सकता है, मगर परसों वोटिंग के दिन इतनी ही तादाद में आकर दिखाना है कि ये सिर्फ भीड़ ही नहीं बल्कि नए समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है। इसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने फंसाया मुझे। जो कल तक तुम दबा कर रहते थे आज मुंह उठाकर भाग रहे हैं। काली के सामने खड़े होने की हिम्मत आ गई है। अरे काले ठहरो, क्यों चिंता करते हो? जीत तो हर हाल में आपकी ही होगी। हार कर तो आपकी बातों से झलक रहा कृपा शंकर, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, काली को हारने की आदत नहीं है। अगर मैं हार गया तो इस शहर को शमशान में बदल दूंगा। चलो, आप आइए। यह फरसा गरीबी का नहीं गरीबों का नाश करेगा। नमस्ते काली जी। कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। चलो जल्दी करो। सब लोगों के वोट हमने डाल दिए हैं। चलो घर चलाओ, चलो आप। क्या काली रेगिंग कर रहा है? हाँ। Thank you.
तो चलिए हमारे साथ। आप लोग नीचे आ जाइए, मैंने कह दिया आप लोग मेरी बात सुनिए, प्लीज हमारी बात सुनिए, आप तो नीचे आइए, हमें आपकी मदद चाहिए। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार धर्मपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जनसेवक पार्टी के श्री काली प्रसाद अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती लक्ष्मी जोशी से 1,50,000 वोटों से जीत गए हैं। श्रीमती जोशी की जमानत जब्त हो गई है। हमारे धर्मपुरा के संवाददाता का कहना है कि चुनाव का एक विशेष बुलेटिन आपको सुना है। तो है नहीं, केंद्रीय कमेटी जिससे चुनेगी उससे हम टिकट देंगे। वो बात छोड़ दो, हमारी बात ले लो। मैंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, मेरा जनता के साथ क्या नाता है? कुछ नहीं। फिर आप पूछेंगे कि मैं मिनिस्टर कैसे बना? अरे भैया, केंद्रीय कमेटी ने हमको बुलाया, कहा तुम मिनिस्टर हो, बस हम बन गया, चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। मैं बताता हूँ कि राजनीति में कैसा नेता चुनना चाहिए। ऐसा नेता चुनना चाहिए जो मारकाट करने की जगह मारकाट करे, जो गालियां देने की जगह गालियां दे, और समय पड़ने पर पैर पकड़ के अपना काम निकाले। क्या अकलमंद ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए हमने किसी भी अकलमंद को हमारी पार्टी में रखने ही नहीं दिया। आज देश को सबसे अधिक जरूरत है उसकी, क्या कह दिया अंग्रेजी में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, यानी कि भाई भगवान के डर तो पंडितों की लालच ने भगा दिया, पुलिस का डर प्रजातंत्र के कानून ने दूर कर दिया। अब जनता में भाई न हो तो देश में शांति कैसे रहेगी? इसलिए मतदाताओं को डराने वाला कोई तो चाहिए। इतनी हिम्मत किसके पास है? श्री काली जी के पास है। इसीलिए केंद्रीय कमेटी ने उनका चुनाव किया, उन्होंने मतदाताओं के मन में ऐसा डर पैदा किया जिसके कारण मतदाता चुपचाप श्री काली जी की निशानी पे मोहर लगा के चले गए और उन्हें बहुमतों से जिताकर एमएलए बना दिया। इसीलिए आज देश में आतंक फैलाना चाहिए, एकदम भय का वातावरण, ऐसा भय जिससे डर कर आप लोगों ने काली जी को वोट दिया, उसी भय से डर के
मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। जय काली जी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्रीमती लक्ष्मी देवी जिनकी जमानत जब्त हो गई, वो हमारे बीच अपनी हार और काली जी की जीत स्वीकार करने आई हैं। तालियां बजाओ। मेरा आप लोगों को इस तरह पुकारना शायद कुछ लोगों को आश्चर्य में डाल देगा और कुछ लोगों को मुझे यहाँ देखकर दुख भी होगा, क्योंकि मैंने और उन्होंने मिलकर काली जी को बाजारों गुंडा खूनी और न जाने क्या क्या कह के पुकारा। लेकिन आज उन्हीं काली जी को आपने बड़े प्यार से चुनाव में मेरे खिलाफ लाखों वोटों से जितवाया और आज उनका अभिनंदन करने यहाँ इकट्ठा भी हो गए, तो फिर मुझे यहाँ आकर अपनी हार स्वीकारने में कैसी शर्त? इसीलिए मैंने आपको प्यारे दुश्मनों कहा। माननीय काली जी आज एमएलए कैसे बने हैं हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आजकल एमएलए बनने और अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए हर इंसान गुंडा बन रहा है और काली जी ने एमएलए बनकर इस दुनिया में आने वाले दंडाराज का झंडा फहराया है, इसलिए उनका नाम गिनीज बुक में छपना चाहिए, नहीं तो वो अधूरी रह जाएगी। ये गिनीज बुक क्या होती है? गिनीज बुक केंद्रीय कमेटी से पूछ के बताता हूँ। आने वाले युग के इस महात्मा को आपके प्रेम और विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत लूटमार करनी पड़ेगी, कई खून करने पड़ेंगे, अनीति और अन्याय का खून करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आदर और प्रेम को कायम रखने के लिए वो उसका सही इस्तेमाल करेंगे। ये सच है कि मैं काली के अत्याचार का शिकार हुई, उन्होंने मुझे बीच सड़क पर नंगा किया, मुझे जलील किया, उसकी वजह से मुझे अपना पारिवारिक जीवन त्यागना पड़ा, यहां तक कि अपने पेट में पलते हुए बच्चे का खून करना पड़ा, और फिर भी मैं उन्हें मुबारकबाद देने यहां आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या काली उनसे भी बड़ा गुंडा है जो मुझे सड़क पर नंगा होते हुए देखते रहे? क्या काली उस कायर जनता और निकम्मी पुलिस से भी बड़ा गुंडा है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर को सड़क पर तड़प तड़प कर मरते हुए देखते रहे और कुछ न कर सके? बोलिए, जवाब दीजिए, क्या काली आपसे भी बड़ा गुंडा है? भैया काली ये हमारी तारीफ कर रही है या गाली दे रही है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे महान इंसान की सराहना करने का मुझे मौका मिला। तारीफ कर रही है, तारीफ कर रही है। उन्होंने मुझ जैसे नासमझ नागरिक को एक नया सबक सिखाया है, आने वाले कल की पहचान करवाई है, राजनीति का एक नया रूप दिखाया है, इसलिए आप सबके सामने उनका सम्मान मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ। ये फरसा भेंट करना चाहती हूं, ये परशुराम का फरसा है जिन्होंने अपनी माता का वध किया था, ये करुणा नहीं जानता केवल कर्तव्य पर विश्वास रखता है, ये क्रांतिकारी का फरसा है जो देश के लुटेरों के टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये वर्तमान से नहीं डरता सिर्फ भविष्य पर विश्वास रखता है, ये फरसा अमानुष्यता के लिए काली माता की जीत बनेगा,
अन्याय और अनीति के लिए महाराणा प्रताप की तलवार बनेगा। ये फरसा दानवता का अंत करेगा। घात से गुंडा राज का अंत हो जाएगा। जब तक इस पापी का अंत न हो जाए तू सुहागन की तरह जीना, सुहागन की तरह। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हालांकि न तो मैं वह अपराधी हूं जो पुलिस के निकम्मेपन के कारण पनप रहे हैं, और न वो मैं नेता हूं जो राजनीतिक शरण में पल रहे हैं। मैं तो एक साधारण नागरिक हूं, लेकिन आप मुझे गिरफ्तार करके अपनी ईमानदारी और हिम्मत का सबूत दे सकते हैं। अरेस्ट में। अरेस्ट है। आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं कहती हूँ। आप लोग नीचे उतरिए, रास्ता छोड़िए। नहीं दीदी, हम आपको गिरफ्तार होने नहीं देंगे। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। खामोश। इसने दिन दहाड़े पूरी पब्लिक के सामने खून कर दिया। आप लोग चाहते हैं इसे गिरफ्तार न करूं? इस पापी ने सारे शहर को प्लेग की बीमारी की तरह चंगुल में रखा था। ऐसे राक्षस को मारकर इसने उससे हमारा पिंड छुड़ाया है। ऐसी महान स्त्री को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जाइए, धीरज रखिए। अगर आप समझते हैं कि मैंने न्याय किया है, और अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कायरता से पीछा छुड़ाइए। आंखों के सामने हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत पैदा कीजिए। अपने अंदर आत्मबल पैदा कीजिए। फिर वो सुनहरा दिन आएगा जब एक नया समाज जन्म लेगा। समाज की नजरों में शायद काली की हत्या उचित हो, लेकिन कानून की नजरों में वो अपराध है और उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ना तो मुझे सजा का डर है, ना उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम या आदर हो तो रास्ता छोड़िए। लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद, 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 लक्ष्मी जोशी जिंदाबाद। लक्ष्मी, जिस शर्म आ रही कि मैं तुम्हारा पति हूं,
और गर्व भी हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कसम खाकर कहता हूं आज से बिना किसी डर के तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। कानून की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। इसी परिवर्तन का मैं इंतजार कर रही थी। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश। लक्ष्मी मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मी चलिए अंदर चलिए। लक्ष्मी जोशी, लक्ष्मी जोशी, लक्ष्मी जोशी।